मैंने आपको पढ़ाया कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, संयोजी ऊतक। इसका नाम संयोजी ऊतक क्यों रखा गया है? कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, किस किस को, टिश्यूज को, किससे, ऊतक को, किससे, अंगों से, ठीक है। ये दो तरह का मैंने आपको बता दिया। पहला वाला मैंने आपको बताया क्या, एक तो बता दिया एडिपोलर टिश्यू, दूसरा बता दिया मैंने आपको एडिपोस टिश्यू। एडिपोस मतलब वसा ऊतक, ठीक है। हाँ, मैंने एडिपोलर का आपको डायग्राम दिखाया, बनाइए डायग्राम, जल्दी डायग्राम बनाइए। एडिपोलर टिश्यू का एडिपोलर में चार चार तरह की सेल्स मिलेंगी आपको, चारों नाम डाउन करेंगे हमने। जल्दी कॉपी में नोट डाउन, हाँ कॉपी में बनाइए। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम ऐसे भी जुट के आ जाता है क्या? बना लेंगे ऐसे रफ बनाइए, इसमें चार साइड है, चारों बनाने की कोशिश करिए। ये पूछता है कौन कौन सी साइड होती है, मैं आप बना लूंगा, मैं इसको देख के बुक में देख के बनाइए। देखिए इसमें चार सेल्स हैं, फोर सेल्स है, ठीक है। नंबर वन मास्ट सेल, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, थर्ड कोलेजन, फोर को ये मैक्रोफेज, देखिए ये चारों किसमें मिलेंगी, एरियोलर टिश्यू में। हाँ यही पूछता है कि एरियोलर टिश्यू में कौन कौन सी है। देखिए मैंने अब इसमें डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम में उसे लिखा है जहां पे फिब्रोब्लास्ट। देखिए फिब्रोब्लास्ट क्या काम करती है, फाइबर्स बनाने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए फिब्रोब्लास्ट में जहां पे लिखा ग्रीन ग्रीन है वो फिब्रोब्लास्ट है, उसमें से ब्लू कलर के छोटे छोटे फाइबर से निकल रहे हैं, मतलब वो क्या कर रही है, फाइबर बनाने का काम कर रही है, ठीक है। उसके आगे देखिए जो फाइबर निकल रहे हैं ब्लू ब्लू, ये क्या है, कोलेजन फाइबर, जिसको हिंदी में कोलेजन ही बोलते हैं, कोलेजन रेशा, ठीक है, समझ आया। ये चार डायग्राम बना के चारों को मेंशन करिए दूसरे कॉपी में बेटा, इन चारों में से चारों सेल की दो क्वेश्चन आने हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू से दो क्वेश्चन आपने तीन क्वेश्चन। मुझे लगता है आपके पास कौन सी बुक है, हिंदी और इंग्लिश? एक इंग्लिश बुक है, इंग्लिश तुम्हारे पास है? मुझे एक ही है, एक ही इंग्लिश है। मैंने आपको ये बता दिया
ये क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज के बाद क्या होता है, किसमें आती है एल्यूलर एंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कौन सी डेंस मतलब सघन, ठीक है। चलिए बना डायग्राम समझ रहे हो, हम बड़ा बड़ा है देखो, ठीक है सही हो गया। डेकोरेट वहां पर कर लेना, मित्र नाम बनाना चाहिए, कौन सी सेल वहां पे है, बस नाम पता होना चाहिए, पर यहां पे ड्राइंग का कोई दिक्कत नहीं है।
शरीर इधर देखिए चलिए मैं लेवल को नहीं पहले समझ देखिए अब आता है पहले हमने पढ़ा लूज कनेक्टेड टिश्यू ठीक है अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टेड टिश्यू डेंस को बोलते हैं सघन सघन संयोजी उदर ठीक है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है इसके दो पार्ट पहला इरेगुलर और दूसरा रेगुलर इरेगुलर को हिंदी बोलते हैं अनियमित ठीक है और रेगुलर को बोलते हैं नियमित ठीक है देखिए इसमें इरेगुलर में क्या होता है जो कोलेजन फाइबर होते हैं क्या कोलेजन फाइबर वो क्या होते हैं इधर उधर बिखरे हुए होते हैं ठीक है कोई नियमित तरीके से नहीं होते मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं होते नियमित में क्या होता है इसके कोलेजन फाइबर एक लाइन में होते हैं ठीक है जैसे पैरेलल लाइंस में मतलब समांतर लाइन में ठीक है समझ आया इरेगुलर का एग्जांपल है स्किन मतलब त्वचा ठीक है हाँ ठीक है क्योंकि हमारी त्वचा देखना कभी रुखी रुखी दीवार को थी तो इधर उधर ऐसे ऐसे खिंचे खिंचे से मिलेगी आपको ठीक है वो होते हैं एनियमिक रेगुलर में आते हैं पहला एग्जांपल है टेंडन और दूसरा एग्जांपल है लिगामेंट ठीक है टेंडन को हिंदी बोलते हैं कंडाइन लिगामेंट को स्नायु पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करिए उसके बाद टेंडन क्या होता है लिगामेंट क्या होता है सबके डेफिनेशन लिखोगे ठीक है यहाँ तक नोट डाउन करिए उसके बाद और भी लिखवा रहे हैं नियमित में क्या होता है अनियमित में क्या होता है टेंडन क्या है लिगामेंट क्या है लिगामेंट आपने सुना होगा लिगामेंट में चोट लग जाती है जब भी जाते हैं या जिम में जिम करते हैं तो क्या होता है लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं सुना है मसल्स डैमेज हो जाते हैं लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं ठीक है बताओगे भी क्या होता है पहले इसको लिखिए हो गया अब नीचे नियमित में ही नीचे लिखना नियमित हाँ नियमित होती कौन सी है उसी के नीचे लिखना नहीं नियमित तो होती है इसमें जो तंतु कोरक क्या है फाइबर्स फाइबर कहाँ पे होते हैं देखिए बुक में देखिए तंतु कोरक समांतर गुच्छे के समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं ठीक है समझ आया है देखिए आप फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए पहला वाला डायग्राम देखिए उसमें क्या है देखिए ऐसे है जैसे लाइंस है ठीक है तो कुछ यहाँ पे है कुछ यहाँ पे है कुछ यहाँ पे है लेकिन ये लाइंस के अंदर ही है ठीक है मतलब कैसे समांतर तंतु कोर के बीच में ठीक है समझ में आया आपको क्या बोला सारा ये उसके बाद इधर देखिए नीचे वाला देखिए सॉरी ये इधर लिख दिया इसका इधर बनाते ठीक है ये गलत उठ गया एनियमिट में कहीं भी है ठीक है एनियमिट में देखिए कहीं भी पड़ा हुआ है ठीक है मतलब इनका कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे पड़ा रहा है और नियमित में एक समांतर लाइन में है ना बहुत क्लियर कंफर्म
अब इस डायग्राम को बनाने के बाद नीचे लिखिए एन एलिमेंट। एन एलिमेंट आप अपने तरीके से लिख लीजिए, इनमें कोई सीरीज नहीं होती, ठीक है, पैरेलल लाइन में नहीं होते, समांतर नहीं होते, लिख लीजिए एन एलिमेंट में समांतर नहीं होते। लिखा, अब नियमित में लिखिए, लिखिए नियमित में तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इधर आइए, इधर ऊपर हेडिंग डालना, मतलब तुम लोग उसी में क्वांटिटी रखो नीचे, ठीक है, इरेगुलर वाले के नीचे लिखिए टेंडर, जो इरेगुलर वाला था, सॉरी रेगुलर वाला, उसके नीचे लिखिए टेंडन, कंडाइन, देखिए टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है जो हमारी मसल्स होती है बॉडी की, मसल्स कहाँ होती है, यहाँ पे क्या है, अंदर हड्डी भी है ना, हड्डी भी है, तो मसल्स को हड्डी से जो जोड़ के रखता है उसे बोलते हैं टेंडन, हिंदी बोलते हैं कंडा, ठीक है, मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, मसल टू बोन, ठीक है, लिखिए इरेगुलर वाले के नीचे लिखना, सॉरी रेगुलर वाले के नीचे लिखना, ये रेगुलर रेगुलर, ठीक है, नियमित वाले को, इसी में मैं इधर लिख दे रही हूं दूसरी तरफ, ठीक है, इधर लिख दे रही हूं दूसरी तरफ, लिगामेंट, और आप इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है, आपको इसी के नीचे लिखना है, मैं बस इधर लिख रही हूं क्योंकि उधर जगह दी है, ठीक है, ये है, ठीक है, स्नायु है, मैं समझ गई, बस
देखिए लिगामेंट क्या होता है, जो हड्डियां हैं जोड़ते हैं, जोड़ नावे हड्डियां दो कनेक्ट होती है दूसरे, ठीक है, हड्डियां जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है लिगामेंट, उसे बोलते हैं स्नायु। देखिए ठीक है, लिख लिया मेरा कम्युनिकेशन बहुत लगे बना लेना बना चाहो वो भी जो रहने जाओ हां बाकी तो नहीं पाया कुछ एक बात कर ली पढ़े लोग हाँ देखिए अब मैंने आपको तीन टाइप के फायदे, पहला है ये फायदा लूज कनेक्टेड टिश्यू, दूसरा डेंट, तीसरा स्पेस लाइज, ठीक है, स्पेस लाइज के तीन एग्जांपल है कार्टिलेज बोन एंड ब्लड, ठीक है, लिखिए
उसका होगा सर। हाँ सॉरी, विशिष्ट अनामी है। विशिष्ट अनामी है। देखिए विशिष्ट का मतलब ठोस, अनामी का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल देखिए जो मुड़ सकेगा, ठीक है, मुड़ सकेगा उसे बोलते हैं वेरिएबल। एंड सम पीपल मतलब रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब जो कहीं पे भी सर्वाइव कर जाए, है ना, बताओ रेजिस्टेंट मतलब। देखिए ये पहली लाइन में बोलना चाह रहा है कि कार्डिनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं मतलब, और रेसिस्टेंट होते हैं, कहीं पे भी रुक जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाओं को कोशिकाएं स्वयं द्वारा श्रावित आधारभूत में छोटी छोटी भूमिकाओं पर होती है। देखिए सेल्स ऑफ दिस टिश्यू जो कार्डिनल बनाते हैं उन सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। लिखिए लिखिए कॉपी में लिखे, कार्डिलेज बनाने वाली टिश्यू या फिर सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। Chondrocyte cells which forms cartilage. Chondrocyte को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उपास्थि अणु। ठीक है, देखिए उपास्थि अणु किसे बोलते हैं? वो सेल्स जो कि क्या बनाने का काम करती है? कार्टिलेज बनाने का काम करती है। ठीक है, समझ आया ये? आगे बोल रहा है, आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। देखिए ये कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, ये कहां पे रहती हैं? जो उनके बीच में मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब जो जैसे साइटोप्लाज्म, इस तरह से मतलब मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके बीच में छोटी छोटी कैविटीज रहती हैं। ठीक है, समझ आया ये? छोटी छोटी कैविटी में रहती है, ठीक है, छोटी छोटी जगहें उनमें रहती है। लिख लीजिए, छोटी छोटी कैविटी मतलब छोटी छोटी भूमिकाओं में बंद रहती है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स जो देखिए सुनिए, वो सेल्स जो कार्टिलेज बनाने का काम करती हैं, वो मैट्रिक्स में छोटी छोटी भूमिकाओं में बंद रहती हैं। ठीक है, आया समझ? देखिए अब जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट का मतलब होता है यहाँ पे कशेरुकी। ठीक है, वर्टिब्रेट मतलब पता है ना कशेरुकी, वर्टिब्रेट जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी। जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं उनमें कार्टिलेज होती है, वो बाद में किसमें बदल जाती है? हड्डियों में। ठीक है, किसमें बदल जाती है? हड्डियों में बदल जाती है, इसमें चेंज होगी।
अब देखिए कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे होती है, मैं लिख देती हूँ, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज के बाद लिखिए आउटर ईयर जॉइंट, बिटवीन एडजेसेंट जोन टू जॉइंट, अभी हिंदी में लिखवाऊंगी मैं, दोनों में लिखना पड़ा, देखिए अगर कार्टिलेज वहां होती है हमारी बॉडी का वो पार्ट जो जल्दी से मुड़ जाता है, नाक हमारी उसको आप टच करेंगे तो मुड़ेंगे तो मुड़ जाता है ऊपर तक, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है हड्डी होती है, वहां पे क्या होता है कार्टिलेज, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, टिप ऑफ नो, नाक की नोक पे, ठीक है, पहला इंग्लिश में लिखेंगे टिप ऑफ नो, हमने नाक की नोक, ठीक है। दूसरा हो गया बाहर कान की संधि, देखिए कान हमारे मुड़ जाते हैं दोनों, यहाँ पे भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो बाहर कान की संधियां या फिर आउटर ईयर जॉइंट, ठीक है, इंग्लिश क्या है हिंदी में लिखिए, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है स्नेक बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ पर्टिकुलर कॉलम, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड की आसपास की अस्थियों के मध्य, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब चौथा है लिम्स एंड हैंड्स ऑफ एन एडल्ट, हमारे हाथ जल्दी जल्दी ऐसे मुड़ जाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे होती है, ठीक है, हाथ और पैर में पाई जाती है। चौथा मैम हिंदी बताइए, हिंदी देखिए पहला नाक की नोक, दूसरा बाह्य कान संधियों में, बाह्य कान कान संधियां, तीसरा संधियां संधियां, तीसरा मेरुदंड की आसपास की अस्थियों, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य, अस्थियों के मध्य, अस्थियों के मध्य मतलब बीच में। अब चौथा लिखिए पैर और हाथ, ठीक है। अब बताया कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाक की नोक पे, ठीक है, कान बाहर कान की संधियों पे, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको, ओके। अब आते हैं अस्थि पर, अस्थि मीन हर बार पॉइंट छोड़ दिया, कौन सा है
मौसम कार्ड ले आएंगे रिप्लेस हो जाती है। हाँ, देखिए बच्चे में कार्ड प्ले ज्यादा होती है। बच्चे में कितनी बोन्स होती है? बच्चे में कार्टिलेज जब होती है या फिर वर्टिब्रल्स होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें कार्टिलेज क्या होती है? बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उनमें क्या होती है? हड्डियों में परिवर्तित हो जाती है। वो कार्टिलेज क्या हो जाती है? हड्डियां बन जाती है। ठीक है, आया समझ? ओके, अब देखिए अस्थि। अस्थि मतलब बोन। ये दो टॉपिक आज का था, अस्थि भी और ये लिवर भी। ठीक है, अस्थि खाने से युक्त, सुन लीजिए पहले। हाँ, अस्थि डालिए पहले, उसके बाद सुनिए। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। बोन एवर हार्ड एंड बोन मैलेबल। ये बोन क्या होती है? हार्ड होती है। मैलेबल मतलब होता है जो मुड़ सके, और ये क्या है? नॉन मैलेबल मतलब कि जो मुड़ नहीं सकते। इसका अनामय आधार कोलेजन एंड कैल्शियम लवण युक्त होता है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है इसका जो सब्सटेंस होता है तो क्या क्या होता है? हड्डी में कैल्शियम होता है एंड कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक है, याद है, समझ आया? व्हिच गिव बोन इस स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से, फाइबर की वजह से ये बहुत मजबूत होती है। ठीक है, ये कैसे होती है? हाँ, आगे देखिए। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। इसका मतलब है कि ये शरीर का मुख्य घटक है जो बॉडी को शेप या फिर उसका स्ट्रक्चर आधार प्रदान करने की मतलब काम करता है। ठीक है, समझ आया ये? ओके, शरीर के कोमल अंगों का रचनात्मक ढांचा बनाता है। देखिए कोमल अंग जैसे हमारे हाथ है, हाथ को रोकती कौन सा हवा है? हड्डी ना, हड्डी के ऊपर क्या है? मांस। मांस तो कोमल है ना, मांस तो कोमल है ना, कोमल के मांस को रोक के कौन रखता है? हड्डी। ये क्या कोमल अंगों को रचनात्मक ढांचा बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, इसका मतलब ये। आगे देखिए, द बोन सेल, देखिए जो कार्टिलेज बना रही थी उसको क्या बोल रहे थे? कॉन्ड्रोसाइट। वो जो बोन बनाती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। लिख लीजिए। ऑस्टियोसाइट, अब देखिए क्या होती है। देखिए ऑस्टियोसाइट क्या होती है? बोन को बनाने वाली, अस्थि को बनाने वाली सेल। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होती है? लैग्रिमल। लैग्रिमल मतलब रिक्तिकाएं, जो खाली जगह पर, खाली जगह होती है वहां पे क्या होती है? बोन को बनाने वाली कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, रिक्तिकाएं मतलब खाली जगह। ओके, आगे सुनिए। यदि ये भी रिक्तिकाओं में मिलन होती है वो भी कैविटी में। हाँ, तो कैविटी में होती है, ये रिक्तिकाओं में होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। लिंग बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ द लेग। देखिए सब जैसे पैर की अस्थि है जो सबसे लंबी अस्थि होती है, उसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी का वेट संभाल कर रखना। ठीक है, लंबी अस्थि बार अस्थि भार वाहन का कार्य करती है, मतलब वेट को संभालने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद दे आल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच्ड टू देम। उसका काम एक और होता है, ये अस्थि कंकाल पेशी को जोड़कर रखती है। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कौन जोड़ता है? टेंडन। टेंडन के बारे में पता था? मसल को कौन से जोड़ता है? ठीक है, तो ये हड्डी क्या करती है? मसल्स को भी जोड़ करके रखती है। दूसरा काम सही हो गया। ठीक है, और मसल का काम क्या होता है? गति प्रदान करना हमारी बॉडी को। ठीक है, समझ आया? उसके बाद मतलब गति मतलब मूवमेंट, हमारी मूवमेंट कैसे होता है? मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखिए। द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। देखिए हमारी बॉडी में बोन मैरो होता है, आपने कभी सुना है बोन मैरो रिप्लेस करना होता है? बोन मैरो, बोन मैरो किसे बोलते हैं? जो हड्डी के अंदर होता है।
ठीक है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अरे हड्डी के अंदर नहीं होता है, पता होगा हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो। लिक्विड नहीं होता है, थोड़ा सा हाँ लिक्विड ही बोल सकते हैं उसको, मैरो। ठीक है, तो उससे उसका काम क्या होता है? बोन मैरो काम होता है रक्त कोशिकाएं बनाना। ठीक है, रक्त कोशिकाएं बनाना। हमने के जल्दी जल्दी जोड़ना स्टार्ट करें, नोट इट डाउन। मैं बोल रही हूँ, देखिए पहले सुन लीजिए फिर अपने साथ सुनिए। पहला मैंने बताया आपको बोन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठोस होती है और नॉन फैलिबल होती है। ठीक है, मतलब जल्दी से टूट नहीं सकती। ओके, दूसरी हार्ड होती है, इसको बनाने वाली सेल को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ठीक है, इधर लिख लेती हूँ मैं, ऑस्टियोसाइट्स फॉर्म्स बोन। ओके, दूसरा इसका मैंने बताया आपको, क्या बताया? इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, वहाँ कोलेजन फाइबर होते हैं जिनका काम होता है इनको मजबूती देना। ठीक है, अब जैसे टांग की सबसे लंबी हड्डी होती है, उसका काम क्या है? हमारे वजन को संभालना। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इनका? मसल्स को रोक के रखना। ठीक है, वही समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया कि इसमें जो बोन मैरो होता है उसका काम क्या होता है? रक्त कोशिकाओं को बनाना, ब्लड सेल्स को बनाना। ठीक है, अब इन सबको आप कोई नोट कर लीजिए, ये लिखना भूलिएगा। मैंने आपको क्या समझाया टोटल? मैंने आपको ये समझाया कार्टिलेज जो पैलिएबल होती है मुड़ जाती है, बोन पैलिएबल नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है। रक्त ब्लड का क्या समझाया मैंने? प्लाज्मा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, और ये किसका काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अब जो कार्टिलेज बनाती है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। जो बोन को बनाती है अस्थियो बनाती है उन्हें ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन-कौन सी? कार्टिलेज बोन एंड ब्लड। ब्लड लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन-कौन सी है? एल्युलर एंड फैटी एडिपोज टिश्यू। ठीक है, डेंस कौन-कौन सी है? इररेगुलर एंड रेगुलर। इररेगुलर मतलब स्किन त्वचा। ठीक है, और रेगुलर मतलब टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, टेंडन का काम ओके, और लिगामेंट भाई लिगामेंट का काम बोन को बोन से कनेक्ट करना। ठीक है, आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा कनेक्टिव टिश्यू, इसको जल्दी से अभी रीड कर लीजिए जो मैंने आज पढ़ाया है वहां से लेके। जहां कोई डाउट आ रहा है, मैं बाहर ही हूँ, मेरे से सारे डाउट क्लियर कर लेना अभी, बाद के लिए इसके डाउट्स नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, बुक ले लो उसकी है।